गए हैं आप लोग। तो यार देखिए आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। और यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेक्नो फोवियर 4 और 4 प्रो की दोनों की स्पेसिफिकेशन और यार इन दोनों में फर्क क्या बेसिकली। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है क्योंकि इंटरनेट में ज़्यादा कुछ इस फोन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ सीन है इस तरीके का। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल में क्या अगर आप ये फोन परचेज करना चाहते हैं दोनों ही फोनों में से और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो बस इतना था, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते पोवियर 4 प्रो की, 4 की बात नहीं कर रहे हैं, प्रो की बात कर लेते पहले। तो यार इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो मिल जाती है 720p की डिस्प्ले और ये काफी बड़े साइज की डिस्प्ले है, यानी 7 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है इस फोन में, जो कि यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। एक फेबलेट साइड का ये फोन है, डिस्प्ले के हिसाब से फोन काफी डिसेंट होने वाला है इस प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों अगर बात करें जैसे मोबाइल फोन के कैमरा की, तो इसके अंदर बैक वाली साइड पर आपको 16 MP का प्राइमरी लेंस मिल जाता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर, 2 MP का माइक्रो लेंस और वही क्यू विजुअल लेंस देखने को मिल जाता है इस फोन में। इसके अलावा फ्रंट वाली साइड पर आपको यार एक 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है इस फोन में। तो ये कुछ कैमरा के हिसाब से फोन इस प्राइस में काफी डिसेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी साइज की बैटरी है। अतरुल देखोगे, अतरुल गाजी आप ड्रामा देखने वाले तो काफी मजा आने वाला है। इसके अलावा जो पोवियर 4 प्रो के अंदर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है और आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी आ जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, तो बेसिकली इसके अंदर यार आपको ऑप्टा कोर प्रोसेसर देखने में मिल जाता है 2.0 GHz वाला और ये मेरे ख्याल से मीडियाटेक का हेलियो P22 है या P35 है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं आपको जब मेंशन कर दूंगा। इस मोबाइल फोन की प्राइस की, तो इसके अंदर यार एक ही वेरियंट लॉन्च किया जा रहा है पोवियर 4 प्रो में, 6GB RAM और 128GB वाले वेरियंट, जिसकी कुछ प्राइस रखी गई है पाकिस्तान में 26,000 रुपए। सर 26,000 मोबाइल फोन की प्राइस काफी ज्यादा है, इससे बेहतर है कि आप 1,000 मिला के इन्फिनिक्स का नोट 7 ले सकते हो, खाली 6000 mAh की बैटरी बढ़ा दी गई है। लेकिन हम पोवियर 4 की बात करते हैं आगे जाके, अभी हम बात कर रहे थे पोवियर 4 प्रो की। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोवियर 4 की, तो बेसिकली इन दोनों फोनों में डिफरेंस क्या, जो कि वो प्रो है ये खाली 4 है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो फर्क है वो है सिर्फ कैमराज में, इसके अलावा ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली जो पोवियर 4 है इसके अंदर आपको बैक वाली साइड पर प्राइमरी लेंस 13 का मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपको 16 का मिल जाता है प्रो में, और बाकी तो सेम ही 2 MP का डेप्थ, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का क्यू विजुअल लेंस। इसके अलावा फ्रंट वाली साइड भी थोड़ी सी अलग है, पोवियर 4 जो उसके अंदर आपको फ्रंट वाली साइड पे बेसिकली 8 MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है और पोवियर 4 जो प्रो है उसके अंदर आपको 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो बैटरी दोनों में तो सेम ही है तकरीबन, और जो पोवियर 4 आता है वो एक ही वेरियंट में आता है पाकिस्तान में, 3GB RAM और 32GB वाला वेरियंट, जिसकी कुछ प्राइस है आएगी 18,000 रुपए। पोवियर 4 प्रो में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको 10W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो यार ये है फर्क इन दोनों में थोड़े से कैमराज का, और दूसरा जो फर्क है वो है इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर का। बेसिकली जो पोवियर 4 है उसके अंदर आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेसर है ये A22 है मीडियाटेक का, पोवियर 4 जो प्रो मिलता है उसके अंदर आपको आएगा P22 या P35 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑप्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों इन दोनों ही फोनों में आपको बैक वाली साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के ओपिनियन की, कि क्या मेरे क्या ओपिनियन है इस फोन के रिलेटेड। तो बेसिकली जो पोवियर 4 प्रो है ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली एक तो भाई इस फोन के अंदर आपको कैमराज का फर्क है और वेरियंट अलग है, यानी प्रो वाली कोई बात नहीं है। पोवियर 4 प्रो में आपको 6GB RAM और 128GB वाला वेरियंट मिल जाता है, जिसकी प्राइस 26,000 रुपए, और पोवियर 4 में आपको एक ही वेरियंट मिल जाता है 3GB 32GB वाला, जिसकी प्राइस 18,000 रुपए। तो यार ज्यादा कुछ फर्क नहीं होने वाला, खाली वेरियंट का फर्क होने वाला है आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फोन लेना है 6000 mAh बैटरी वाला, तो पोवियर 4 आप ले सकते हो 18,000 रुपए में, लेकिन यह है कि उसके अंदर आपको यार क्वाड कोर CPU मिल जाएगा, जाहिर सी बात है वो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ये दोनों ही फोन अच्छे नहीं है गेमिंग के लिए। तो अगर खाली आपको यार मीडिया कंज्यूम करने के लिए देखना है तो आप ये फोन परचेज कर सकते हो, पोवियर 4 प्रो की मैं बात नहीं कर रहा बेसिकली। फोन दोनों ही फोनों में आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है फ्रंट वाली साइड पर। तो आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को डिफरेंट जो है समझ में आ गया वो बेसिकली। तो नेट में जो है काफ़ी इस फोन के बारे में डिटेल अवेलेबल नहीं है दोनों ही फोनों के बारे में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो में। तो बस यार इतना था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अपनेपन के साथ। दिस इज उस्मान, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आराम।